तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने लगभग दो साल तक चोट के कारण बाहर रहने के बाद इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से इंग्लैंड टीम में वापसी की थी। मौजूदा समय में वह बांग्लादेश दौरे पर है और यहां पर उनकी परफॉर्मेंस को देखकर इंग्लैंड के सफेद गेंद के कोच मैथ्यू मॉट संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि एशियज और वर्ल्ड कप से पहले जोफ्रा आर्चर सभी चीजें सही कर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में दो मुकाबले खेले और 18.5 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने आखिरी वनडे नहीं खेला था और उस मुकाबले में टीम को हार मिली थी। इसके बावजूद इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कैलेंडर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी न केवल गेंद से बल्कि बल्ले से भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पेशावर जालमी के खिलाफ मुकाबले में 5 छक्के लगाते हुए अर्धशतक लगा दिया। हालांकि इसके बावजूद उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान सुपर लीग में मंगलवार को दो मुकाबले खेले गए। पहले मैच में पेशावर जामी ने लाहौर कैलेंडर्स को हरा दिया। पेशावर जालमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और निर्धारित 20 ओवरों में 207 रनों का विशाल स्कोर बनाया। लाहौर के लिए शाहीन अफरीदी ने 4 विकेट झटके। उनके अलावा हारिस रऊफ ने भी 2 विकेट हासिल किए। जवाब में खेलते हुए लाहौर की टीम 172 के कुल स्कोर पर आउट हो गई। पूर्व ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आगाज से पहले इंडियन टीम को रणजी ट्रॉफी के मुकाबले खेलने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय टीम के खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में खेलते तो फिर ज्यादा अच्छा होता। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है। भारतीय टीम ने पहले 2 मुकाबले जीते थे लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंदौर में खेला गया टेस्ट मुकाबला जीतकर सीरीज में वापसी की। स्पिनर्स के सामने टीम इंडिया के बल्लेबाज बेबस नजर आए। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अभी तक भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। कप्तान रोहित शर्मा ने नागपुर टेस्ट मैच में जरूर शतक लगाया था लेकिन उसके बाद भारत के ज्यादातर बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए हैं। लोअर ऑर्डर में केवल अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और अश्विन जैसे स्पिन ऑलराउंडर ने योगदान दिया है।